वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज हेपैनो टैबलेट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको हेपैनो टैबलेट्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये कौन से डिजीज में फायदेमंद है, इसे कैसे यूज करना है और भी रिलेटेड सारी जानकारियां मैं दूंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट इज कॉल्ड हेपैनो टैबलेट्स। तो आइए सबसे पहले मैं हेपैनो टैबलेट्स की पैकिंग आपको दिखाती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हेपैनो टैबलेट्स की पैकिंग कुछ इस तरह की है। ये डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई है और ये रेड और व्हाइट कलर के छोटे से कंटेनर में इसकी पैकिंग है। और इसमें अगर हम टैबलेट्स की बात करें तो 60 टैबलेट्स इस पैकिंग में आपको मिलती है और इसके आज की डेट की जो प्राइस है वो है ₹128, यानी कि ₹128। तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं हेपैनो टैबलेट्स। तो हेपैनो टैबलेट्स जो है ये मेनली लीवर प्रॉब्लम्स में यूजफुल है, यानी कि लीवर रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उसमें ये टैबलेट बहुत अच्छे से काम करती है। तो आइए बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसके कंपोजिशन में सबसे पहले है भूमि आमलकी, नीम, गुडुची, पुतली, त्रिफला के मेन कंपोजिशन जो होते हैं हरर, बहरा, त्रिफला, ये भी इसमें डाला गया है और इन सारे कंपोजिशन से इसे जो है तैयार किया गया है। तो आइए चेक करते हैं कि बेनिफिशियल इन विच डिजीज, ये जो है कौन से डिजीज में बेनिफिशियल है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड दैट इज फैटी लीवर, इन्फ्लेमेटेड लीवर, लीवर इंक्रीज, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, यानी कि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने की वजह से भी हमारे लीवर में जो साइड इफेक्ट पड़ते हैं, एक्सेसिव इंटेक ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, अगर हम बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं उसकी वजह से जो लीवर प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसफंक्शनिंग ऑफ लीवर, ब्लड की कमी को दूर करने के लिए जो है ये बहुत अच्छी एक टैबलेट है। और अगर आपकी फुल लीवर जो है फंक्शनिंग में दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है उसको भी ये टैबलेट्स ठीक करती है। यही नहीं, सिर्फ लीवर प्रॉब्लम्स में ही नहीं, ये ब्लड की कमी को भी दूर करती है। अगर आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है और आप इस टैबलेट्स को रेगुलरली लेते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी ब्लड की कमी जो है वो दूर हो रही है। बॉडी को ये डिटॉक्स करने में भी काम ये टैबलेट्स काम करती है, यानी कि जितने भी आपके गंदगी आपकी बॉडी में हो गई है उसको डिटॉक्स भी ये जो है करती है ये टैबलेट्स के सेवन से। और इसकी जो डोजेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज जो है वो 2 टैबलेट्स जो है मॉर्निंग इवनिंग में आपको लेनी है फॉर एडल्ट, यानी कि इस कंटेनर से आपको 2 टैबलेट जो है लेनी है, 2 टैबलेट्स मॉर्निंग, 2 टैबलेट्स इवनिंग में आपको जो है वो लेनी है। और अगर फिर भी आपके लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में राहत नहीं होती है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर ले। और जो है ये हेपैनो जो है ये सिरप फॉर्म में भी आती है, ये टैबलेट फॉर्म की रिव्यू मैं कर रही हूँ, आगे कभी मैं सिरप फॉर्म की भी कर दूंगी, तो आप किसी भी फॉर्म में इसे ले सकते हैं और आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से कंसल्ट करने के बाद भी इसे अपने डोज को सेट करवा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। और जो है इसे आप जब भी लें तो लियुकवॉर्म वाटर के साथ लें, यानी कि सुसुम गर्म पानी के साथ। अदरवाइज जो है जूस ऑफ आंवला, गिलोय, गुडुची, रेडिश, इन सारी चीज़ों के जूस के साथ भी आप ले सकते हैं, आंवले के जूस के साथ, गिलोय के जूस के साथ, गुडुची के साथ, मूली के जूस के साथ अगर आप इस मेडिसिन को लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत जल्द इसका असर आपको देखने को मिलेगा। अगर बच्चों को देनी है तो जैसे कि 6 से 15 साल के बीच के अगर बच्चे हैं, 6 to 15 ईयर्स, देन आपको 1-1 टैबलेट्स जो है 2 times उन्हें देनी है, यानी कि 1 टैबलेट मॉर्निंग में, 1 टैबलेट इवनिंग में। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इस टैबलेट को तोड़ के भी दे सकते हैं, और नहीं तो मैं कहूँगी कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले उसके बाद ही जो है एकदम छोटे बच्चों को दे, क्योंकि सिरप फॉर्म में भी यह है तो आप उन्हें सिरप भी दे सकते हैं। और हाँ, ये टैबलेट्स लेने के टाइम में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, यानी कि कुछ सावधानियाँ होती है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो प्रिकॉशन ये है कि खाने पीने का ध्यान देना चाहिए अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं, ताज़ा बना खाना ही आप खाएं,
यानी कि फ्रिज में रेफ्रिजरेट किया हुआ खाना बिल्कुल भी ना खाएं, बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना आप ना खाएं, पैकेट फूड्स को अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि जो भी फूड पैकेट्स में आती है जैसे नमकीन बिस्किट मिक्सचर जो भी है और भी जो भी पैकेट फूड है उन्हें आपको अवॉइड करनी है। ज़्यादा मिर्च मसाला कम खाएं, तला भुना कम खाएं। अगर आप इन सारे चीज़ों के प्रिकॉशन के साथ इस टैबलेट को लेते हैं तो बहुत जल्द आपकी डिजीज़ जो है कम हो जाएगी और आप बहुत फ्री महसूस करोगे। और डिजीज़ के अनुसार पहले भी मैंने आपको बताया, अगर लीवर के, देखिए लीवर में बहुत सारे तरह के डिजीज़ होते हैं, तो अगर कुछ क्रॉनिक डिजीज़ है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर द्वारा परामर्श ले लें तो ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। होप मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन की रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। सो हमारे साथ बने रहें एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।